आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पांच नए आने वाले जिनमें से तीन ड्रामास और दो वेब सीरीज हैं। सो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि आपको मिल सके नई आने वाली मालूमात जल्द अज जल्द। सो शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको दो वेब सीरीज के बारे में बताएंगे। सो पहली की बात करते, उस वेब सीरीज में होंगे आपकी पसंदीदा सजल अली और वहाज अली, दोनों अच्छी खासी मकबूलियत रखते हैं और उनके चाहने वाले लाखों की तादाद में ही। सो उन सब का इंतजार हवा खत्म, सजल अली और वहाज अली नजर आएंगे एक साथ एक वेब सीरीज में। उस वेब सीरीज को भी गुल ने तहरीर किया है और उसको डायरेक्ट काशिफ नजार करेंगे। और अब बात करते हैं दूसरी सीरीज की, ये मिनी सीरीज है जिसमें होंगे एहसिन खान और हरामानी। उस सीरीज को आबस रजा डायरेक्ट करेंगे जो कि एक्सप्रेस टीवी पर आने होगी। मजीद मालूमात के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। सो अब बात करते तीन नए आने वाले ड्रामास में से पहले एक की, सुबह कमर पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस जिनकी एक्टिंग का है हर कोई दीवाना है और आजकल उनको सब देख रहे हैं ड्रामा सीरियल फ्रॉड। और वो अब फिर दोबारा बहुत जल्द नए आने वाले ड्रामे में नजर आएंगी जिसका नाम है ऐ जिंदगी तुझे जिया, जिसको तहरीर किया है अदील रज्जाक ने। हीरो कौन होगा ये जानने के लिए जुड़े रही हमारे चैनल से। सो अब बात करते हैं दूसरे ड्रामे की, पाकिस्तान के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर इमरान अशरफ क्या नजर आएंगे बहुत जल्द नए आने वाले ड्रामे में। आर वाई के एक ड्रामे में सुनने में आया कि इमरान अशरफ नजर आएंगे जिसका नाम है एहसान फरामोश, जिसको सिक्स सिग्मा एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये ड्रामा अभी कंफर्म नहीं है। और दूसरी तरफ इमरान अशरफ से पूछा गया कि वो कब नए ड्रामे में नजर आएंगे तो उन्होंने कहा कि आज काफ लिख रहा हूँ, ड्रामे के लिए 6 महीने तक इंतजार करना होगा। सो मालूमात के लिए जड़े रही। और अब बात करते हैं आखिरी ड्रामे की, अदाकार उसामा खान, मुशाल खान, नबील जुबेरी, एमन जमान और हना आफरीदी बहुत जल्द नए आने वाले ड्रामे में नजर आएंगे जिसको अब्दुल्ला पाडिनी डायरेक्ट कर रहे हैं और ये ड्रामा हम टीवी पर आने होगा। सो मजीद नई मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नगहबान, शुक्रिया।